हे फ्रेंड्स, अगर आप सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि मैं इसमें ऐसे कई सारे फ़ोन बताने जा रहा हूँ जो हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी J7 Pro के अल्टरनेटिव हो, जिनकी प्राइस रेंज 20,000 से कम है। तो मेरा नाम है सौरभ एंड यू आर वॉचिंग टेक में टेक्निक। तो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहला जो फ़ोन है हमारा वो है सैमसंग का ही सैमसंग गैलेक्सी J7 Max। आपको इसमें मिलता है 7.0 नूगट आउट ऑफ द बॉक्स, 4 GB की रैम, 32 GB की स्टोरेज, डिस्प्ले का जो साइज़ है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 5.7 इंचज का डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करें तो पुराना प्रोसेसर है मीडिया टेक का हीलियो P20, और बैटरी की बात करें तो 3300 mAh की बैटरी है। उसकी मेन फीचर की बात करें कैमरा की, दोनों कैमरा 13 MP के हैं, जिसमें मेन कैमरा है 1.7 aperture का, फ्रंट कैमरा है 1.9 aperture का, जो कि दोनों ही लो लाइटिंग के लिए काफ़ी अच्छे कैमरे हैं। सैमसंग काफ़ी अच्छे कैमरे ही बनाता है, और इसकी प्राइस है 17,000 रुपीज़। और अब बात करते हैं इसी रेंज में हम दूसरे फ़ोन की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले मिलता है। अगर आप इसको डिस्प्ले के लिए ही यूज़ करना चाहते हैं तो इस फ़ोन को परचेस कर सकते हैं, जिसका नाम है Mi Max 2। इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड 7.11 नूगट के साथ आउट ऑफ द बॉक्स, 4 GB रैम के साथ आपको मिलेगी 64 GB की स्टोरेज, और डिस्प्ले जो साइज़ है इसका है 6.44 IPS LCD स्क्रीन है पर। और रही बात कैमरे की बात करें तो हम इसमें 12 MP का थोड़ा कम एपरेचर है इसका, F2.2 है, और सेल्फी कैमरा यानी फ्रंट कैमरे की बात करें तो F2.0 है। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर काफ़ी ठीक ही है, स्नैपड्रैगन का 625, और बैटरी तो काफ़ी अच्छी है क्योंकि स्क्रीन भी इसकी काफ़ी बड़ी है, तो आप ऑब्वियसली उसके बैटरी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और तो उसकी बैटरी है 5300 mAh की, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये हाइब्रिड स्लॉट रहता है। रेडमी के तो सारे फ़ोन ज़्यादातर हाइब्रिड स्लॉट के ही रहते हैं, और जो उसकी प्राइस है वो है 16,999, तकरीबन 17,000 की। तो अब सेकेंड मतलब थर्ड फ़ोन की बात करते हैं, उसका नाम है Honor 8। इसमें आपको 4 GB की रैम मिलेगी, साथ में 32 GB की स्टोरेज। इसमें आपको मिलेगा 5.2 का HD डिस्प्ले। इसमें आपको डुअल कैमरा मिलता है 12 MP प्लस 12 MP का LED फ्लैश के साथ, 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा, और 3000 mAh की बैटरी मिलती है। पर इसमें जो प्रोसेसर है आपका Kirin 950 है, और इसकी जो प्राइस है वो दो हैं। आपका जो ब्लू कलर है जो आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा वो है 21,990 का, और एक जो दूसरा है दो कलर हैं वाइट और गोल्ड कलर, वो है 19,990 का। और अब हम तीसरे फ़ोन की बात करते हैं, जिसका नाम है Moto G5 Plus। Moto G5 Plus में मिलता है आपको एंड्रॉयड 7.0 नूगट आउट ऑफ द बॉक्स, 4 GB की रैम के साथ 32 GB की स्टोरेज, और इसमें आपको साथ ही साथ 3 GB की रैम भी मिलेगी और 16 GB की रोम के साथ। आप कार्ड इसमें लगा के बढ़ा सकते हैं, पर इसकी जो स्क्रीन है वो 5.2 इंचेस की ही है, और जो कि फुल HD डिस्प्ले है, 12 MP का F1.7 aperture के साथ मिलता है। पर इसमें सेल्फी यानी फ्रंट कैमरा में उन्होंने 5 MP का दिया है, जो कि F2.2 है, जो थोड़ा कैमरे में ज़्यादा अच्छा नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक कैमरा अच्छा दे दिया, दूसरा कैमरा ज़्यादा अच्छा दिया नहीं है। और रही बात बैटरी की, 3000 mAh की बैटरी है, और प्रोसेसर की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 625 का, और प्राइस है इसमें दो वेरिएशन है, क्योंकि प्राइस भी दो होंगे तो एक है 15,999 का जो है 4 GB रैम के साथ, और 3 GB रैम के साथ जो है वो 14,999 का है। और अब नेक्स्ट फ़ोन की बात करें जो है ऑनर का ही Honor 8 Lite, जिसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड 7.0 आउट ऑफ द बॉक्स, 4 GB की रैम, 64 GB की रोम, साथ ही साथ कार्ड लगा के आप इसकी स्टोरेज भी बढ़ा सकते हैं, और 5.2 इंचेस का HD डिस्प्ले है, फुल HD डिस्प्ले है। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें प्रोसेसर मिलता है Kirin का 665 का, जो कि ठीक ही है। कैमरे की बात करें तो 12 MP कैमरा है, फ्रंट कैमरे की बात करें तो 8 MP का कैमरा है, और बैटरी की बात करें तो 3000 mAh की बैटरी है। इसकी जो कीमत है वो 8 Moto G5 से थोड़ी सी सिमिलर ही है, क्योंकि इसकी जो कीमत है वो 15,350 कुछ के आसपास है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।